बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, या इली हक हैदर। ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो शुरू आज का ये जो व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं ये सियालकोट बुखारिया मोटरवे के रिलेटेड है, और किस चीज़ के रिलेटेड है ये भी मैं आपको आज बताता चलूँ। ये व्लॉग है जो सियालकोट बुखारिया मोटरवे में जितनी भी ज़मीन आई है उस ज़मीन के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा जी आज, के ज़मीन का जो एस्टिमेट है ये किस तरीके से लगाया गया और कैसे लगाया गया। आपको जो ज़मीन का एस्टिमेट है उसके बारे में मैं पूरा बताता भी हूँ, और साथ में जो नोटिस आया हुआ है वो भी आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, ये लोकेशन लखनवाल है जहाँ पे इंटरचेंज बनना है, और पीछे ये रोड है जो जलालपुर जट्टा टू टांडा एंड छम सेक्टर को जाता है, उसी रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो मैंने सोचा कि सब दोस्त कह रहे थे कि अस्मीन भाई कोई मोटरवे के बारे में कोई न्यू अगर कोई अपडेट आई है तो वो हमें बता दें। तो न्यू अपडेट मुझे महकमे की तरफ से एक ही मिली है कि जो ज़मीनों के सर्वे किए थे ना पटवारी ने कि किसी की कितनी कितनी ज़मीन आई है, उसकी जो लिस्टें हैं वो मेरे पास पहुंच आई हैं जी। तो वो जो लिस्टें हैं मैं अपनी वीडियोस में इस साइड पे या इस साइड पे लगा देता हूं जी, तो वो लिस्टें आप खुद ही देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि ज़मीनों का उन्होंने ये किस तरीके से किया हिसाब के ये कितनी ज़मीन कितने एकड़ थी, कितनी कितनी है। ये नहीं जी होगा इसमें, अगर आपकी एक एकड़ में अगर सात कनाल आई है और एक कनाल नहीं आई तो आपको जो पैसे हैं ये सात कनाल के मिलेंगे। और किस तरीके से मिलेंगे कि एक साल में जितनी भी सेल हुई है आपके गांव की ज़मीन, जो गवर्नमेंट के पेपरों के ऊपर लिखा गया है कि ये ज़मीन की जो मालियत है ये तकरीबन एक करोड़ की सेल हुई है लखनवाल की, मोजोकी की, पेजो की, किसी भी गांव की, वो ज़मीन और पैसे एक साल के किए जाएंगे इकट्ठे और उनको पैसों को किया जाएगा ज़मीन के ऊपर तकसीम। जो एक मरले की प्राइस निकलेगी वो ही आपकी ज़मीन का रेट होगा और इसी हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। तो चलें आगे थोड़े से रोड्स के व्यू, और जो ज़मीन का नोटिस आया हुआ है जो महकमा ज़मीन वाले होते हैं ये पटवारी हजरात, इन्होंने जो निशानदेही की थी पटवारियों ने, वो लिस्टें मैं अपनी वीडियोस के ऊपर लगा देता हूँ, तो आप खुद भी देख लें कि कौन कौन से गांव है और किस किस गांव की निशानदेही हो चुकी है। तो मोटरवे का ये जो काम है ये इस मरहले तक पहुँचा है, और अब उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द और जल्द जो कि मोटरवे का काम शुरू हो जाएगा। तो चलें आगे थोड़े से आपको रोड्स के भी व्यू दे देता हूँ, और ये जो ज़मीन के जो नोटिस आए हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी इंशाल्लाह जी। हम गुजर रहे थे लखनवाल से जी, और हादम चीफ साहब जनाब हमारे बहुत ही बड़े समझ लें सब्सक्राइबर एंड हमारे व्यूवर भी हैं जी, हमसे प्यार भी करते हैं। तो अचानक रास्ते से मैं गुजर रहा था, इधर वीडियोस के हवाले में आया हुआ था, जो कि वीडियोस आपने पीछे देखी है जी ज़मीनों के बारे में, ज़मीनों का जो एस्टिमेट था, तो इन पीछे से डिपर दिया, तो हाफ साहब कहने लगे हैं कि शाह साहब लगता है कि आप पे कुछ जानने वाला है, और हादम साहब और ये सारे इनके दोस्त हैं जी यहाँ पे जी, तो ये इनके डेरे पे यहाँ पे खड़े हैं जी, तो इन्होंने रोक लिया कि शाह साहब आपने ऐसे नहीं जी जाना, आपने चाय पी के जाना है जी यहाँ पे। तो अभी हादम साहब के साथ जनाब चाय पीने लगे हैं जी, तो मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इनका भी और आप सब दोस्तों का भी कि जो मुझ ना चीज़ से आप प्यार करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज बहुत फ़ख्र है कि मैं YouTube पे आया हूँ और इतने प्यारे प्यारे भाई मुझे मिले हैं मुझसे प्यार करने वाले जी। तो अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, और हादम साहब से पूछ लेते हैं कि मेरी तबीयत जनाब कैसी है, आपके कहने पर रुका हूँ कि नहीं जी। हादम साहब दसो जनाब कुछ साढ़े लायक हो कम काम जी। बड़ी मेहरबानी, सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं
हमने आपको टेम्पर दिया, हमने आपको रोका, आप रुक गए। और इतना मसरूफ बंदा इस हालात में रुक जाना हमारे लिए बड़ी फखर की बात है। ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं जी, नन्ना बड़ा साहब, अरशद बड़ा साहब, और नन्ना बड़ा साहब मशहूर, ये सरवर साहब हैं, ये अदील साहब हैं, पुलिस साहब हैं, हमारे शराब बड़ा साहब हैं, माशाल्लाह। ठीक है, और सर्दी काफी ज्यादा थी, आती जी उन्होंने यहाँ पे आग भड़काई है जी, आग शाग यहाँ पे जी काफी, हमारा देसी माहौल ही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक भी जी ये जितने भी हमारे गांव हैं जी, बहुत ही प्यारे दोस्त पहुंचे हैं जी गोगा भट्ट साहब, जैसे कि आपको बता रहा है कैंटीन के डेरे के ऊपर हम बैठे हुए हैं, और चीफ साहब से पहले ही आपकी मुलाकात करवा दी है। तो ये कहीं पे गए हुए थे, गए कहाँ पे हुए थे कि नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने गए हुए थे, तो अभी आए हैं तो इन्हीं के डेरा जी, तो इधर बैठे हुए हैं। और अब्दुल्ला राजा साहब भी जनाब इस टाइम पहुँच चुके हैं जी, हमारा सुना तो ये मिलने आ गए हैं जी यहाँ पे, और पूरा और उम्मीदवार चेयरमैन भी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और पूरा लखनवाल कला यहाँ पे इकट्ठा हो गया, लखनवाल जी ये ने जी सारे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं जी, चीफ साहब भी और इधर अजमतुल्लाह चेयरमैन साहब भी जी, इंशाल्लाह इस और गोगा भट्ट साहब भी, जैसे कि आपको सबका तारुफ करवाया जी, निशाद भट्ट साहब और निशाद भट्ट साहब भी जनाब, सारे हो गए सब दोस्त यहाँ पे जी इकट्ठे हो गए, बहुत मजा आया जी यहाँ पे मिले हैं इनको जी, बहुत मोहब्बत की है जी इन्होंने, अल्लाह ताला इन सब को अपने अपने नेक ख्वाहिश के मुताबिक इनको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। तो चले जी नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाते हैं जी आगे इंशाल्लाह। ये जी आप देख सकते हैं कि काम बड़ी स्पीड से जारी हो सा रही है, जलालपुर जट्टा टू टांडा बडीला शरीफ वाला जी, ये लखनवाल के आगे भी काम शुरू है जी, और पहले जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई थी वो जो शादी वाल था वहाँ तक जी, और अभी आप देख सकते हैं जी काम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो कि समझ लें कि आगे बढ़ चुका है जी, और जलालपुर के नज़दीक तरीन ये लोग पहुँच आए हैं जी। और उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ज़मीन के बारे में जी, जो सियालकोट टुखारिया मोटरवे में जो ज़मीन आई है उसके नोटिस आपने देख ही लिए होंगे जी, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा, नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझ मस्कीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और दुआ करें कि जो मोटरवे का काम है ये जल्द और जल्द ये जी शुरू हो जाए। तो इस पे एक छोटा सा शेर है जी, गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तो जारी सी बात है कि जब तक मोटरवे नहीं थी तो मेरी वीडियो भी वायरल नहीं थी जी, तो मोटरवे आई जी तो वीडियो वायरल हुई, आप सब दोस्तों का YouTube पूरी फैमिली का मुझे प्यार मिला जी, तो इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहता हूँ, और जब तक मोटरवे शुरू है ना जी, जब तक मोटरवे शुरू है तब तक तो जारी सी बात है कि हमें भी प्यार मिलता रहेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि मोटरवे भाई जब ख़त्म हो जाए, जितनी भी मेरी YouTube फैमिली है तो प्लीज़ दूसरी वीडियोस भी देख लिया करें, चलें इसी बहाने आपसे मुलाकात आपकी मेरे साथ, और अब आपकी दुआएं भी मुझे मिलती रहे और मेरी दुआएं भी आपको मिलती रहे, तो चलें जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी इंशाल्लाह।